सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। नेतृत्व करने का गुण कठिन समय में परिश्रम करने से ही बाहर निखर कर आता है। आत्मविश्वास के साथ चला गया हर एक कदम जनहितकारी होता है। कठिन समय के दौरान लिए गए सही निर्णय ही आपको परिपक्व बनाते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके भीतर समर्पण का भाव होना चाहिए। आज का पंचांग 25 जून 2024 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:11 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:50 से 5:31 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 25 जून 2024 दिन मंगलवार, आपका पति या साथी आपके किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहा है। सोच समझकर और बुद्धिमानी से काम करें। धन इस समय आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको कानूनी मामले या किसी व्यापारिक बैठक के लिए यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। ज्यादा बात न करें, केवल अपने काम से ही ध्यान दें। अपने दोस्तों परिवार और बच्चों से मिलने की तीव्र इच्छा होगी। शब्दों की तुलना में आपका काम अधिक जोर से बोलता है और यह संभावना हो सकती है कि शब्द गलत हो जाए, किंतु काम आपको हमेशा बचाएगा। ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपने जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। भागदौड़ भरा दिन आपको तुलक मिजाज बना सकता है। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। संबंधी आपके उदार स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, चौकन्ने रहें, नहीं तो बाद में आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। उदारता एक हद तक ही ठीक है, लेकिन अगर यह अपना दायरा पार कर ले तो परेशानी बन जाती है। आज आप अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रेमी आपसे नाराज हो जाएगा। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। वैवाहिक जीवन में कठिन दौर से गुजरने के बाद आपको अब कुछ राहत का एहसास होगा। परिवार के साथ सुख सुविधाओं में सुखद समय बीतेगा। नया रूप देने के लिए रचनात्मक गतिविधियों का सहारा लेंगे। उचित सफलता मिलेगी। सामाजिक कामों में आपका योगदान भी रहेगा। लोगों के साथ विवाद होने में वक्त लगेगा। आज आपको सभी से राय लेने से बचना होगा। परिवार के लोगों के बीच बढ़ती नाराजगी आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन जिन बातों का आपसे संबंध नहीं है ऐसी बातों से दूर रहें। प्रयत्न करने के बाद भी बढ़ोतरी न होने से नाराजगी हो सकती है। फिलहाल किसी से बड़ी अपेक्षा न रखें। रिलेशनशिप में अधिक दूसरी बातों पर ध्यान देने से पार्टनर की नाराजगी का सामना करना सिर में भारीपन रह सकता है, जिसे दूर करने के लिए आराम करने की आवश्यकता है। सुबह का समय आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रहेगा। आर्थिक उन्नति होगी, सुविधाओं की प्राप्ति होगी। योजनाएं सफल होने के बाद ही लक्ष्य प्राप्त होने में सफल होंगे। पुराने परिचितों से सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापारिक यात्रा का योग है। अवसरों का लाभ उठाने में सफल होंगी। सावधानियां, किसी गलत फैसले के कारण पछताना पड़ेगा। बेहतर होगा कोई भी योजना या काम करते समय अनुभवी लोगों से विचार विमर्श जरूर करें। युवाओं का ध्यान गलत कामों में ज्यादा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय है नए वातावरण का मजा लेने का।
जहां आप अपने अनुभव से योजनाओं को नया रूप दे सकते हैं। परिवार संघर्ष से निपटने के लिए आज के दिन उपयुक्त है। अपने पार्टनर पर ध्यान दें और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं। विवाह की भी संभावना है। आज आप अपने साथी या प्रियजनों के नजदीक रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका प्यारा आपकी भावनाओं को समझेगा और आज कुछ खास रोमांटिक समय के लिए तैयार हो जाएं। आप अपने जीवन को लेकर संजीदा और केंद्रित हैं। अपने साथी की उपेक्षा ना करें क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को नसीब होता है। आज के दिन अपने साथी को प्रेम से संबंधित उपहार या अपनी भावगंभीरता के द्वारा आश्चर्यचकित करने का है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य चीजों भी लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी कुछ समय से अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रही है। आपने अपने साथी को हर तरह से अपना मान लिया है। अब यह समय अपनी प्रशंसा दिखाने का है और यह सुनिश्चित करे कि वही चीज आपको सहृदय वापस मिले। हालांकि आज अपने साथी की अनदेखी रिश्ते में तनाव को बढ़ा सकती है। बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। आज कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, अपने अनुभव का प्रयोग करें। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण के लिए भी यह सही समय है। आज सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्षी दोनों आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे, सोच विचार के बिना तुरंत कार्यवाही करने से नतीजे सकारात्मक नहीं होते। आज आपके जीवन की सारी परिस्थितियां बदलने वाली है। आपको कुछ जोखिम और पेशवर संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके तर्क और व्यवहार से आपका काम पूरा होगा। पेशेवर कर्मचारियों से संबंधित मामले आपकी प्राथमिकता रहेगी। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी नजरिए को विस्तृत करें। व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगी, फिर भी फोन और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। नौकरी में फाइलें और कागजी काम पूरा करने में ओवरटाइम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज बहुत अच्छे स्वभाव और तनाव रहित मूड का आनंद लेंगी। इस समय का उपयोग अपनी किसी अच्छी खासी शारीरिक मेहनत वाली गतिविधियों के लिए करें जो आपको अच्छी लगती है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। स्वस्थ शरीर के साथ आप खुश मिजाज रहेंगे, इसीलिए दोस्तों के साथ मिल बैठने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।